अरे सियाज में है ये, गरीब गरीब लिख रहा है ये। लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ स्पेशली मीडिया वालों के लिए। ओके, मैं मीडिया वालों को बहुत प्यार करता हूँ, बिकॉज़ जब पैप्स का भी ज़माना नहीं था, सिर्फ जर्नलिस्ट थे, पुराने बहुत सारे फोटोग्राफर्स जर्नलिस्ट हु यूज़ टू बी देयर, आई थिंक सिंस 2002 की बात, 2003 की बात है, एंड वी यूज़ टू इन्जॉय, हम लोग लिटरली वन ऑन वन सबको जानते थे। हाल ही में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो कि मुझे मजबूरन उसे इंस्टाग्राम पे शेयर करना पड़ा, बिकॉज मेरी फीड को बहुत यंगस्टर्स यूथ जो है देखते हैं, एंड एवरीबडी गेट्स वेरी प्रेशर्ड कि हम क्या कपड़े पहने, हम कौन सी गाड़ी में आए, लोग हमें क्या कहेंगे, काम नहीं हुआ तो क्या, मतलब यू नो ऑल द काइंड ऑफ स्टफ। एंड आई थिंक स्पेशली जो नए इंडस्ट्री में आने वाले हैं, दे प्रॉबली थिंक अरे अगर हमारे पास ये नहीं है वो नहीं, हम तो इधर जा नहीं सकते, वहाँ नहीं पहुँच सकते, लोग क्या सोचेंगे, मीडिया वाले सब छाप देंगे, हम ऐसे वैसे, उनके दिमाग में ऑलरेडी हलचल चल रही है, काफ़ी लोग यू नो मुंबई से नहीं है, यहाँ या अकेले रहते थे, सो मच स्ट्रेस ऑलरेडी। एग्जैक्टली, ये यू नो आप लोग नहीं, बिकॉज आई ब्रांडिंग की स्ट्रेस नहीं, यू गाइस आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज आप लोग बहुत साल से काम कर रहे हो, यू नो यू ऑल हैव वर्कड हार्ड फॉर दैट, बट देयर आर फ्यू पैप्स हु मतलब एक फोन लिया एंड यू नो नए नए आए, एग्जैक्टली इंस्टाग्राम पे शुरू कर दे, वो अपने आप को उन लोगों के लिए भी बी केयरफुल, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट यू कैन अफेक्ट अदर पीपल, यू नो जो कि नए लोग हैं, यू नो इट, मैं उन यूथ को कहना चाहता हूँ, इट डजेंट मैटर रियली। इनफैक्ट ये इंसिडेंट के बाद किसी ने मुझे फ़ोन किया सॉरी कहने के लिए, मतलब वन ऑफ द जर्नलिस्ट ओनली, एंड आई सेड व्हाई डू यू हैव टू से सॉरी, यू नो आई हैव नथिंग अगेंस्ट एनीबडी, तो उन्होंने कहा हाँ ऐसे ऐसे टाइम पे यू शुड नॉट बी सेइंग ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। हाँ वो अलग बात है अगर आप रेड कार्पेट पे हो, तो मैं बोला रेड कार्पेट पे भी क्यों, इट डजेंट मैटर, चाहे कितना भी बड़ा फंक्शन हो, कोई भी हो, मैं किसके घर जा रहा हूँ पार्टी के लिए, मतलब मैं अगर मैं प्राइम मिनिस्टर सर के भी अगर घर जा रहा हूँ, अगर मैं रिक्शा में जाऊँ, मैं टैक्सी में जाऊँ, मैं एक छोटी इंडिका में जाऊँ या टाटा का व्हाटएवर, मैं किसी कार में ऑडी में जाऊँ, इट डजेंट मैटर, बिकॉज माई इंटेंशंस मैटर कि मैं किसके लिए जा रहा हूँ और मैं क्यों कर रहा हूँ। सो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डू नॉट केयर, दिस इज़ फॉर द यूथ, डू नॉट केयर व्हाट हाउ पीपल जज यू, बिकॉज वो जज करके ख़त्म कर देंगे, आपके दिल में वो बात रहेगी फॉर एवर एंड ever, so you be strong and don't care about what people talk about. Again, you're earning money, you know, put it towards a house, save it, be responsible with it, that means taking a rickshaw, take a rickshaw, that means you're very smart. In fact, ab to ye to acha hua, ye ho gaya actually incident, ab main bilkul, main to meri sari badi gaadiyan bech dunga, wo paise, really I'm telling you, wo paise main actually mere bachcho ke investment mein dalunga, genuinely main, ab mujhe laga hai ke बोलने वाले तो बोलेंगे, चाहे ऑडी में आओ, चाहे सियाज में आओ, चाहे रिक्शा में आओ, बोलने का, बोलने वाले का तो काम है, तो माइट एज वेल, क्यों मेरे क्या लेने दे, वर्क स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, रियली हम कोई प्रोजेक्ट करें वो गाड़ी के हिसाब से नहीं प्रोजेक्ट, बट दैट्स ट्रू, एक अच्छी बात है यार, बिकॉज़ द ट्रू बिजनेसमैन विल बी के यार मैं स्टारबक्स का, स्टारबक्स की कॉफी नहीं खरीद के स्टारबक्स का वो जो 300 रुपए में उसके शेयर्स में डालूं, वो मेरे को वो कॉफी से ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा एक साल, सो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया, आई एम रियली ग्लैड कि ये हुआ है, इन्वेस्टमेंट अभी होगी ज्यादा, बट ये हमने आप सब लोगों के साथ क्लियर करना था, बिकॉज वी डोंट वांट यू टू फील कि प्रेस का एक रिलेशन खराब हो गया, इट नेवर हैज बीन, ये सालों से, देयर इज रिस्पांसिबल मीडिया एंड देन देयर इज इररिस्पांसिबल मीडिया, सेम लाइक हाउ देयर आर रिस्पांसिबल पीपल एंड देयर आर इररिस्पांसिबल पीपल, इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट, इट्स अ गुड इनिशिएटिव, या यही कहना चाहूंगा मैं आखिरी में, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अरे सियाज में है ये, गरीब गरीब लिख रहा है ये।